हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं अमृतसरी कुलचा और वो भी तवे पर बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं यमी सा टेस्टी सा अमृतसरी कुलचा। उसके लिए उबालते हैं सबसे पहले आलू। देखिए आलू उबल गए हैं, दो विसल हमने हाई फ्लेम पर और तीन विसल हमने लो फ्लेम पर लगवाई हैं और ये अब इनको हम तुरंत ही पानी में से निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गए हैं, दब रहा है आलू, गरम है, इसको हम तुरंत ही निकाल देंगे ताकि क्या है कि इसके अंदर पानी ना हो, इससे क्या पिट्ठी गीली नहीं होती। ऐसे आप ऐसे निकाल कर छोड़ दीजिए और इनको अपने आप ठंडा होने दीजिए। जैसे ही ठंडा हो जाएगा इनको छील कर हम इनके पिट्ठी बना लेंगे। ये देखिए आलू को हमने उबाल के छील लिया है, ठंडे हो गए हैं। अब ठंडे होने के बाद हम इसको ग्रेट करेंगे। तो जब भी हमें ये आलू के इस टाइप के पराठे बनाने हैं तो आप उसके लिए आलू ग्रेट कर लें इस तरह से। देखिए इस तरह से ये आलू ग्रेट कर लें। इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है क्योंकि हमने पानी में इसको ज्यादा छोड़ा नहीं है, तो मैं आपको ग्रेट करने के बाद मिलती हूँ। अब हम इसमें ये है अमचूर पाउडर आधा चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, एक हरी मिर्च को हमने बीज निकालकर इसके बारीक काट लिया है। तो ये सब हम अब इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, जो घर का बना हुआ गरम मसाला है, मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है, बहुत ही यमी होता है। तो बिल्कुल 1/4 टीस्पून, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है, ये मसाला डालेंगे। साथ में मैं डालूंगी इसमें जीरा पाउडर और इसको सारे को मिक्स करके आप इसमें टेस्ट करके देखें, जो भी आपको कम लगे नमक ऐड कर दीजिए, चिली ऐड कर दीजिए। नमक आप तभी डालें जब आप पराठे बनाने के लिए रेडी हों, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। ये बन गया है हमारा मसाला। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून चाट मसाला भी ऐड किया है और जरा सा नमक हमने और ऐड किया है टेस्ट करने के बाद। ये देखिए हमने 2 कप लिया है आटा और ये 3 टेबलस्पून दही है। इसमें मैं डाल रही हूं 1 पिंच सोडा, केवल 1 पिंच, नमक स्वाद के अनुसार, और ये डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच चीनी। इसी में डाल देंगे हम दही के अंदर, डिजॉल्व हो जाएगी अच्छे से, मिक्स करेंगे इसको। इसी के अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, इसको भी मिक्स करेंगे। यकीन मानिए ये पराठे इतने अच्छे बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। और क्रश करने के बाद ये डाली है हमने इसमें कसूरी मेथी। जब ये डिजॉल्व हो जाए तो इसको हम डालेंगे इसमें आटे में, इसको भी निकाल लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसका आटा हमें सॉफ्ट लगाना है। जब भी आप कोई स्टफ पराठे बनाते हैं ना, तो उसके लिए जो आटा है वो हमेशा सॉफ्ट लगना चाहिए। पहले हम इसको हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को लगाएंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे आप, सॉफ्ट लगाना है, इकट्ठा करते हुए लगाना है। और ये देखिए कुछ इस तरह का ये बन जाएगा आटा और बहुत ही सॉफ्ट है, देखिए बहुत सॉफ्ट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए ना ऐसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट कर दें, के लिए रख देंगे, और ऊपर से भी हल्का सा ऐसे ऑयल लगा देंगे इसमें और इसको ढक कर रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हम आटा चेक कर लेते हैं और इसको ऐसे थोड़ा सा हाथ से चिकना कर लेंगे। आटा बहुत अच्छे से ये लग गया है, देखिए
बहुत स्मूथ ही आटा हो गया है, तो एक दो बार हम ऐसे करेंगे और इसकी लोइयां बनाते हैं। देखिए कितना स्मूथ ही आटा है। इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे और गैस स्लैब को हमने अच्छे से साफ कर लिया है। ऑयल लगाकर हम इसे थोड़ा सा ऐसे बेलेंगे। देखिए इसके अंदर कसूरी मेथी ये सब दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें आलू की ये तैयार पिट्ठी रखेंगे और इसको चारों तरफ से ऐसे पैक करेंगे। ताकि कहीं से भी आलू की पिट्ठी जो है वो निकले नहीं। और इसको हाथ से ही हम ऐसे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा ऑयल और लगा लेंगे और हाथ से ही हम इसको इस तरीके से बढ़ा लेंगे। इतना हम कर लेंगे और फिर उसके बाद हल्का सा बेलन से इसको प्रेस करते हुए चारों तरफ से सेकेंगे, ताकि ये मसाला जो है ना इवनली इसमें स्प्रेड हो जाए। ये हो गया। अब हमने इस पे थोड़ा सा लगाएंगे कटा हुआ धनिया। थोड़ा सा जो कटा हुआ धनिया है उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि ये लगे कुलचे जैसा। आप चाहें तो अजवाइन लगा सकते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। हल्का सा इसको बेलन की सहायता से दबा देंगे। ये देखिए हमारा कुलचा जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ऐसे उठाएंगे, उल्टी तरफ पर इस पर हल्का सा लगाएंगे पानी पानी लगा लेंगे इस साइड में और इसको तवे पर डालेंगे। तवा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसको पानी की तरफ से, जिधर पानी लगाया ना उधर से ऐसे डाल के हल्के हाथ से ऐसे कर देंगे। गैस को धीमा रखेंगे और इसको एक तरफ से अच्छे से पकने देंगे जब तक इसका हल्के से ऊपर से कलर चेंज नहीं हो जाता। इधर मैं दिखाना चाहूंगी आपको, पराठा जो है वो फूलना शुरू हो गया है, ये देखिए, और कलर जो है वो ऊपर से चेंज हो गया है, देख रहे हैं ना। तो गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे और तवे को हम उल्टा करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको आगे से दिखाती हूँ। तवे को हम ऐसे उल्टा करेंगे और इसको सेकेंगे चारों तरफ से। इसको ऐसे आसानी से सेक लेंगे तो आपको ओवन की भी जरूरत नहीं है और पराठा जो है वो बहुत अच्छा आपका बनने वाला है। और ये देखिए, आप देख रहे हैं पास से कितना बढ़िया ये पराठा बना है। भाई बहुत यम्मी, बटर लगाइए, घी लगाइए, जिस मर्जी से खाइए, मौसम का एंजॉय कीजिए तंदूरी पराठों के साथ। मैं पलट के दिखाना आपको इधर से भूल गई, ये देखिए है ना तंदूरी पराठे के जैसे मार्क्स, ये देखिए। और ये सुनिए, तो जरूर बनाइए और जरूर खाइए। तो ये देखिए, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको एक ही पराठा बनाकर दिखाया है। और आप इस पर चाट मसाला डाल के खा सकते हैं, आप इसको बटर से खा सकते हैं, दही से खा सकते हैं, अचार से खा सकते हैं। वाओ, यम्मी पराठा, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।